किसी भी परफॉर्मेंस के लिए बेहद ज़रूरी होता है कि जो टीम है और उसको डायरेक्शन देने वाले भी अगर उसी तरह गुणी हो तो जाहिर तौर पर परफॉर्मेंस दर्शकों को बांधे रखती है। सर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब तैयारियां चल रही थी और कितना एफर्ट्स रहा इसके पीछे? सर एफर्ट्स तो आप देख ही रहे होंगे, तैयारियां तो सर हो गया, 1.5-2 महीने हो गए और स्क्रिप्टिंग हुई, बहुत पहले से स्क्रिप्टिंग हो गई थी, डायलॉग्स लिखे गए थे, म्यूजिक सेलेक्ट हुआ, फिर पात्रों का चयन हुआ और ऐसे ऐसे मिलते गए, पहले शिव की जगह कोई और थे, ये बाई चांस ये मिल गए हमें और इन्होंने जो गजब किया वो सारे देख ही रहे हैं, काबिली तारीफ है। सर तैयारी को तो 1.5-2 महीने हो गए थे, एक एक चीज़ पे जो काम करते हैं ना वो सारा स्कूल का ही होता है, चाहे वो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन हो, वो हमारे यहाँ टीचर्स हैं, ड्यूटीज लगती है, कॉस्ट्यूम बनाते हैं खुद वो, और ज्वेलरी है, ज्वेलरी डिज़ाइन होती है यहाँ पे, ज्वेलरी के लिए अलग टीचर होते हैं, सेट जो आप देख रहे थे उनके लिए अलग टीचर्स हैं, लाइट्स के लिए अलग टीचर्स हैं, तो ये ना एक पूरा प्रोजेक्ट होता है, तो सबको मिलाकर ही एक ये मतलब ये जो बना है वो शो सक्सेसफुल। सर ये भी जानना चाहूँगा कि ये थीम जो है इसका चयन कैसे किया, यही क्यों चुना गया? पता नहीं सर, ये मुझे लगता है महादेव की कृपा ही हो गई, पता नहीं सर, ऐसे अचानक से ही लगा कि नहीं इस पे करते हैं काम, और जैसे करते गए ना तो वैसे वैसे ना मतलब बहुत कुछ जानने को मिलता गया, बच्चों को आजकल पता ही नहीं है मतलब माइथोलॉजी, इंडियन माइथोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता आजकल, और तो बस महादेव की कृपा ही हो गई। तमाम पहलुओं को बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया गया, बात अगर लाइटिंग की करें, म्यूजिक की करें, बैकग्राउंड साउंड की करें, हर पहलू पर बहुत खूबसूरती से काम हुआ है, इसीलिए शायद तमाम दर्शक जो है बंधे रहे और वहां से उठने का दिल नहीं कर। इसके पीछे जो है ओपी जेमस की बात करें तो यहां की जो परफॉर्मेंस होती है अपने आप में कहीं ना कहीं यूनिक होती है, क्या कहें? सर ये तो ओपी जेमस का एक ट्रेंड है, मतलब यू कैन से कि यहां के जो टीचर्स हैं या बच्चे हैं पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं सेटल्ड है, तो पिछले मैं तो 22 सालों से यहाँ पर हूँ और यहाँ का जो एनुअल फंक्शन होता है ना वो बड़ा ही एक अलग ही तरह का प्रोजेक्ट होता है, जैसे गुड़गांव में आप देखते हैं ना किंगडम ऑफ ड्रीम्स में इस तरह से लाइट एंड शो, लाइट एंड साउंड शो, तो ये जो हमारा ये प्रोजेक्ट होता है तो इसमें मैं ही नहीं, मतलब डायरेक्शन तो मेरा था लेकिन सारी टीम का काम था, तो इसमें सब लोगों की मेहनत है, मेरे अकेले की नहीं है, सब लोगों की मेहनत होती है और कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।